तो आखिरकार बंगाल का आखिरी चरण भी समाप्त हो गया। आज आठवां चरण था जिसकी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। दोस्तों मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं द नवजीवन। आज का हमारा विषय है कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है और क्या एग्जिट पोल का सर्वे आ रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं दूसरे चैनलों की तरह नहीं बताऊंगा, उसका एक रीज़न है कि बहुत से चैनल से क्या सर्वे देंगे, किसकी सरकार बना रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो गोदी मीडिया है वो अपना सर्वे देगी, जो लेफ्ट विंग के चैनल है वो अपना सर्वे देंगे, और यूट्यूब पर आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखेंगे जो ये सर्वे देंगे कि किसकी सरकार बन रही है। कोई 200 सीटें टीएमसी को देगा, कोई 200 सीटें भाजपा को देगा, लेकिन एक्चुअल में हकीकत क्या है ये वो लोग ही बताएंगे, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा चैनल हो। अगर कोई सर्वे बता रहा है, जिसने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करी है, ग्राउंड पर उतर कर जिसने काम किया है, वही चैनल एक्चुअल में सही सर्वे बताएगा। जो लोग ग्राउंड पर ही नहीं गए वो सर्वे कैसे बता सकते हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं यूट्यूब के, मैंने कई सारे चैनल देखे हैं जिनको देख के मुझे हंसी भी आई, लोगों ने मिलियंस में उसके व्यूज़ भी आए। क्यों आए? कि वो लोग ना तो बंगाल गए, ना वहीं बैठे बैठे वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि बंगाल में किसकी सरकार आ रही है। हकीकत ये है, बंगाल में किसकी सरकार आ रही है ये कोई भी नहीं बता सकता। बंगाल की सिचुएशन ऐसी है। मैं पूरे 3 महीने बंगाल लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं ही बंगाल गया था, मैंने कई चैनल्स को रिपोर्टिंग करके दी, कई चैनल्स को सर्वे करके दिया ऑनलाइन। न्यूज़ इंडिया है, टाइम्स एक्सप्रेस है, काफ़ी बड़े चैनल्स हैं, उन सबको भी मैंने सर्वे के दिया, और अपने जो चैनल्स में आप देखेंगे उसमें भी मैंने सर्वे करके दिया है कि बंगाल की जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है, बंगाल की जनता किन मुद्दों पर वोट डाल रही है, किन मुद्दों के जरिए किसकी सरकार बनने जा रही है, इन तमाम इशू पर हम बात करेंगे। और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, जो मेरा राय, मैं किसी और चैनल्स का नहीं बता रहा, जो लोग मुझे मिले, हो सकता है उनमें कुछ लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हों, भाजपा के कार्यकर्ता हों, या कुछ लोग ऐसे हों जो कैमरे पर झूठ भी बोल रहे हों, क्योंकि सच कोई नहीं बोलता। जो बोल किसी और को रहे हैं और वोट किसी और के दे, मैं उन सारे अंदाजे से विश्लेषण जो करूंगा वो ये करूंगा, और इस बात को कि किसकी कितनी सीट आएंगे ये हम एंड में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बंगाल का जो इलेक्शन हुआ है वो किन मुद्दों पर हुआ है, क्या आधार रहे हैं, जनता की क्या मांगे थी, क्या उन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने जो वादा किया क्या वो उस आधार पर वोट दे रहे हैं, या सिर्फ मोदी के नाम पर, जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी की छवि है उस नाम पर वोट कर रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी का जो एक गढ़ है बंगाल, अपना एक गढ़ है, क्या उस बेस पे वोट हो रहा है, या कांग्रेस या लेफ्ट में, लेफ्ट ने 35 साल राज किया और कांग्रेस ने भी काफ़ी राज किया है, क्या उनका भी कोई फैक्टर चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि बंगाल की ज़मीनी हकीकत क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बंगाल में फैक्टर क्या क्या रहा है। नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर भी बंगाल में रहा है। मैंने जितने लोगों से बात करी, अगर वो भाजपा के होते थे तो वो ये कहते थे कि हमें कोई मतलब नहीं है काम से, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ मोदी के नाम पर वोट करेंगे। यही हाल ममता बनर्जी के समर्थकों का भी था। मुस्लिम समुदाय वहाँ पर 30% आते हैं, 30% 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो मोटा मोटा अगर हम लगा लें, अगर वोटर्स बड़े होंगे तो 35% उसको कर देते हैं कि वोटर्स बड़े हैं, लेकिन अभी उनका जनगणना नहीं हुई तो 30% मानते हैं, या 35 भी छोड़ के 30% भी अगर हम माने तो मोटा मोटा जो 30% है वो सारा का सारा वोट ममता बनर्जी को जा रहा है। सारा का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा 30 का 30 जा रहा है, सारा मीन्स एक बड़ा समुदाय जो है, या 30 में से 28%, जैसे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो कुछ कांग्रेस का वोट है वो अपना फिक्स है, उसके अलावा कोई भी वोट मुस्लिम समुदाय का नहीं कट रहा। पूरा मुस्लिम समुदाय सिर्फ इस बेस पे वोट दे रहा है कि उसे सरकार में भाजपा नहीं चाहिए सत्ता में बंगाल की। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा यही है कि हम किसी को भी वोट करेंगे लेकिन भाजपा सत्ता में नहीं आनी चाहिए। किसी में भी उनको ये समझ में आ गया, अगर कांग्रेस को वोट करते हैं या लेफ्ट को वोट करते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा जाएगा भाजपा को, क्योंकि वोट कटेगा। यही वजह रही है कि असउद्दीन ओवैसी कुल 7 सीटों पे बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी बिहार में, बिहार में जिस तरीके से की परफॉर्मेंस दी थी, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि अब हम बंगाल में और पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल फ्रंट पर आ गए थे असउद्दीन ओवैसी। लेकिन जब बंगाल इलेक्शन चालू हुए, हर पार्टी अपना सर्वे कराती है, हर पार्टी जान पहले ग्राउंड रिपोर्ट हमसे भी पहले पहुंच जाती है ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उनके कार्यकर्ता के माहौल क्या चल रहा है। उस माहौल में साफ हो गया था कि असउद्दीन ओवैसी की दालियां नहीं गलने वाली, और हुआ भी यही। मेरी बहुत सारी वीडियो में देखेंगे, मुस्लिमों से जब हमने ये पूछा कि आप मुस्लिम के साथ क्यों नहीं जाना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ कहा था कि असउद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं किया,
पहले वो काम करें, यहाँ पर आकर आए, बंगाल में आए, काम करें, काम करने के बाद हमें बताएं, फिर हम सोचेंगे उनको वोट देना है नहीं देना। और दूसरा ऑप्शन उनका यही था कि अगर हम ओवैसी को वोट देंगे तो हमारा वोट कटेगा, सीधा सीधा फायदा भाजपा होगा, भाजपा को होगा। अब दूसरे मुस्लिम बड़े नेता की बात करें तो आईएसएफ के चीफ अब्बास सिद्दीकी की बात करें तो क्या उनका फैक्टर है, क्योंकि जब इलेक्शन चालू हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि इंडियन सेकुलर फ्रंट जो है वो कम से कम 40 सीटें ला सकता है बंगाल में, उनका इतनी छवि है कि मुस्लिम फैक्टर जो है, मुस्लिम वोट जो है वो अब्बास सिद्दीकी के खेमे में जा रहा है, जिनका गठबंधन बाद में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हो गया। लेकिन क्या उनका फैक्टर है, तो मैं उनका बताऊं, मालदा मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो वहां मुर्शिदाबाद में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं वहां उनका फैक्टर चल रहा है, अदरवाइज उनका फैक्टर कहीं नहीं है। हालत तो ये है कि उनके पास कैंडिडेट भी उन्हें ढंग से नहीं मिल रहे थे। तो अगर मुस्लिमों की बात करें तो इस चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है और वो सीधा सीधा जा रहा है ममता बनर्जी के खेमे में। ममता बनर्जी ने एक बात भी कही थी कि मुस्लिमों एक हो जाओ, अपना वोट बंटने मत देना वरना भाजपा को फायदा हो जाएगा। चौथे चरण में हालांकि उन्होंने ये बात कही थी, इस बात की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम वोट जो है वो सारा ममता बनर्जी के खेमे में जा रहा है। अब बात करें बंगाली हिंदुओं की, तो बंगाली हिंदू जो हैं, बंगाली हिंदू अगर मैं 100 में से 20% कहूँ तो वो लोग मोदी सरकार से खुश है, या मोदी सरकार चेंजिंग जो बदलाव देखना चाहते हैं वो मोदी सरकार के साथ जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने कांग्रेस को भी आजमा लिया, लेफ्ट के साथ भी चले गए। अब जो लोग बदलाव चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो लोग मोदी सरकार में जाएं। इस बार उन्होंने कहा कि हमने सबको देख लिया, हमने कांग्रेस भी देख ली, हमने लेफ्ट भी देख ली, हमने ममता बनर्जी भी देख ली, अब हम चाहते हैं कि शायद डबल इंजन सरकार कुछ कर दे। अब बात करें बंगाली हिंदुओं की, तो बंगाली हिंदुओं में 100 में से 20% मोदी जी के साथ जा रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस भी देख ली, हमने लेफ्ट को भी आजमा लिया, हमने ममता बनर्जी को भी देख लिया, अब हमें कुछ बदलाव चाहिए। क्योंकि ये हर बार होता है, कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव की स्थिति की बात करें तो बदलाव में वो लोग मोदी सरकार के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन 80% हिंदू जो है वो कहाँ जा रहे हैं, बंगाली हिंदू, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो यूपी बिहार से आए हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। बंगाली हिंदू 80% ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं। उसका रीजन है, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तो वो हिंदी भाषियों को पसंद नहीं करते, जैसे हम दूसरे राज्यों में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी समस्या नहीं है, लेकिन जब से यूपी बिहार के लोग राजनीति में इन्वॉल्व हुए हैं बंगाल की, तब से वो लोग खटकने लगे। वो लोग ये कहते हैं आप आइए, काम करिए, सब कुछ करिए, हमारी यहाँ की राजनीति मत अपनाइए, राजनीति से आप दूर रहिए। तो बंगाली हिंदू जो है उनका दूसरा एक और रीज़न है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा है वो लोग। और आपको पता होगा कि भाजपा के खुद मंत्री ये कहते हैं कि जहाँ एजुकेशन होगी वो लोग हमको वोट नहीं देंगे, ये भाजपा के मंत्रियों का बयान है। तो ऐसी स्थिति में बिहार बंगाल की बात करें तो वहाँ एजुकेशन लेवल बहुत हाई है कलकत्ता में, तो वो लोग ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भाजपा की जो पॉलिसीज है वो पसंद नहीं है, हिंदू मुस्लिम पॉलिसीज। क्योंकि वो अगर आप कभी जाएंगे ना बंगाल में, आपको फ़र्क ही महसूस नहीं होगा कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। 3 महीने में रहकर आया हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला कि यहाँ हिंदू कौन होता था और मुसलमान कौन होता था। तो वो 80% तबका जो है वो ममता बनर्जी के साथ इसलिए जाना चाहता है, भले ही शायद कुछ ऐसे भी मिले थे मुझे जो ये कहते थे कि ममता बनर्जी ने शायद काम उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ममता बनर्जी के साथ जाएंगे। क्योंकि दूसरे राज्यों की अगर वो जहां भाजपा ऑलरेडी है उनकी बात करते थे कि उनके हिसाब से हम देखें तो बंगाल बहुत सेफ सिटी है, और ये अमूमन हुआ भी, हम रात को आराम से घूमते थे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और फिर बात आ गई कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल लोग जो भी हैं वो सारे हमेशा अपोजिशन में रहते हैं भाजपा की, तो वो लोग पहली पसंद उनकी ममता बनर्जी है, जिसका रीज़न यही है कि उनका जो खाना पीना है, उनकी जो वेशभूषा है। इलेक्शन के दौरान उत्तराखंड के जो नए सीएम बने हैं रावत जी, उन्होंने ये बयान दे दिया था कि लड़कियां फटी हुई जीन्स पहनती है तो संस्कार क्या देंगी, ये बयान बहुत ज़्यादा इफेक्ट करके गया है, भाजपा को नुकसान दे के गया बंगाल इलेक्शन में। क्योंकि जो कल्चर है बंगाल का, वहाँ पर आज़ादी है, हर तरीके का कपड़ा पहनो, जो मर्जी खाओ पियो। बीफ की बात करें तो वहाँ पर बंगाली हिंदू बीफ खाते हैं, यही वजह रही है कि भाजपा ने बीफ की बात ही नहीं करी, वहाँ पर एक बार भी जिक्र नहीं किया कि यहाँ पर गौ माता की हत्या होती है, हम गौ माता का गोकशी रुकवाएंगे, यहाँ कोई जिक्र नहीं किया पूरे कैंपेन के अंदर भाजपा ने। जैसे गोवा के मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी आएगी तो हम बीफ पार्टी करेंगे, और लेकिन जब यूपी के इलेक्शन होंगे या अभी होने होंगे एक साल बाद, तब
गो माता करती फिरेगी पूरी भाजपा, लेकिन यहाँ पर उनको गो माता नहीं दिखाई दी कि यहाँ पर गोकशी होती है, खुला बिकता है। अगर आप माँ की दुकानों पे भी जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है बीफ नो बीफ, तो एक बहुत बड़ा दबका जो है बंगाली हिंदुओं का वो बीफ खाता है। तो यही रीजन है कि भाजपा ने बात नहीं करी बीफ की। लेकिन अगर वही यूपी में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आने वाले हैं एक साल बाद, तब वहाँ पर गो हत्या का या गोकशी का या गो माता का इतना मुद्दा उछलेगा कि जैसे सिर्फ जो गो माता है वो सिर्फ यूपी में है, बंगाल में नहीं है, गोवा में नहीं है। तो ये सारा रीज़न है जिस वजह से बंगाली जो हिंदू है वो भाजपा को पसंद नहीं करता, एक उनका कल्चर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक बयान दिया था कि लड़कियां या फटी हुई जीन्स पहनती है तो अपने बच्चों को संस्कार क्या देंगी, ये बयान बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा इस बंगाल चुनाव पे, क्योंकि उन्होंने बंगाल चुनाव के टाइम पे ऐसा बयान दिया जिससे उनको जो बंगाली हिंदू है उनको ये लगा कि भाई अगर ऐसे मुख्यमंत्री ऐसी पार्टी हमारी यहाँ सत्ता में आ गई तो हमारा तो कल्चर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इतनी आज़ादी है लड़कियों को, वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। रात को 2 बजे 2:30 बजे लड़कियाँ सड़कों पर घूमती है, मैंने रिपोर्टिंग करी है, मेरे साथ मेरी कैमरा पर्सन फीमेल हुआ करती थी, मेरी बहुत सी वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों ने मुझसे खुद सवाल करा कि आप सिक्योरिटी पे सवाल कर रहे हैं, आप खुद 2:30 बजे कैमरा पर्सन आपकी फीमेल है लेडी है आप इसके साथ घूम रहे हैं तो आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, आपको खुद पता लग रहा है कि यहाँ कितना सेफ है, आप रात को 2 बजे 2:30 बजे जाके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मेरी 2 या 3 वीडियो ऐसी हैं जिसको मैंने रात के 1:30 या 2 बजे जाके सिर्फ यही चीज़ कवर करी थी, क्या यहाँ पर महिला सुरक्षित है। खुद महिलाओं से मैंने पूछा था उन वीडियो में तो उन्होंने बताया था, और ये सबूत है कि जब मैं 2 बजे 2:30 बजे रात को किसी महिला से मिल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ कि आप सेफ हो, तो उन्होंने यही कहा था कि आप रात को 2 बजे हमसे पूछ रहे हो तो यही आपका जवाब है कि हम सेफ है तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। ये मुद्दा भी बहुत भारी पड़ने वाला है भाजपा को। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, बता दूँ 2 बार कलकत्ता महिला सुरक्षा में सबसे नंबर 1 सिटी आई है, तो बंगाल का कल्चर यही है, वहाँ के पे जो रिस्पेक्ट है वीमेंस की वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ ब्रूटुअल रेप नहीं होता, रेप पूरी दुनिया में सब जगह होता है लेकिन ऐसे नहीं होते जैसे ब्रूटुअलिटी हमने उन्नाव केस में देखा या हथरस केस में देखा। इस तरह के जो केस होते हैं वो ज़्यादातर यूपी बिहार राजस्थान इस तरह के सिटीज़ में आते हैं भारत में, और कहीं से ऐसे देखने को नहीं मिलते ज़्यादातर। तो ये भी फ़र्क रहा है क्योंकि जो वहाँ इंटेलेक्चुअल दबका है जो वो भाजपा को पसंद नहीं करता कल्चर की वजह से, क्योंकि उनका कल्चर है आज़ाद कल्चर है, वो जो मर्जी खाना चाहते हैं जो मर्जी पहनना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे कल्चर में कोई रोक टोक ना करे। ऑफ कैमरा मैंने लोगों से बात करी, उन्होंने मुझसे यही बात कही, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी की भी सरकार आए, बस हमारे कल्चर को डिस्टर्ब मत करो। तो उनको ये लगता है कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो उनका कल्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रही बात कि भाजपा को वोट कौन कर रहा है, नो डाउट भाजपा बहुत ज्यादा टक्कर दे रही है ममता बनर्जी को। ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि बंगाल की राजनीति में कभी ऐसा हो सकता है कि दिल्ली की पार्टी उठ के आएगी और वो सीधा सीधा बंगाल की सत्ताधारी पार्टी को टक्कर देगी। टक्कर दे रही है, वो रीजन है कुछ लोग एंटी इनकम्बेंसी है ममता के खिलाफ नाराज है, वो दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने जैसा मैंने पहले बताया लेफ्ट और कांग्रेस को आजमा लिया, अब वो लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। और जो यूपी बिहार के लोग हैं वो आज भी ट्रस्ट कर रहे हैं मोदी सरकार पे, क्योंकि उनका एक ही है वहाँ पर, जाति और धर्म के नाम पे वोट डलता है, वहाँ काम के नाम पे वोट नहीं डलता। मैंने कई लोगों से बात भी करी कि आप ममता बनर्जी के काम बताइए, तो लोग ममता बनर्जी के काम बताते थे, मेरी वीडियो में भी है, लेकिन जब भाजपा के काम की बात आती थी कि आप उनको क्यों सत्ता में लाना चाहते हो, तो उनके पास सिर्फ 2 ही काम होते थे, राम मंदिर और दूसरा धारा 370। इन्हीं 2 मुद्दों पर हर कोई ये कहता था कि भाई हम यहाँ पर लाएंगे। और जो ये कहा जाता था बार बार, ये कहा जा रहा है कि हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है बंगाल में, तो उसका ये सबूत है, ये वीडियो देखिए। ये मैं वीडियो में उस वक्त रोड पे जा रहा था, रामनवमी थी का दिन था और यात्रा निकल रही थी, तब मैंने ये वीडियो शूट करी थी जिसमें खुल्ला यहाँ पर नारे लगाए जा रहा है हिंदू हिंदू हिंद पे हिंदू राज करेगा और राम राजा आएगा, हर घर भगवा चाहेगा, जो हर तरीके से होता है। और ये मुस्लिम एरिया में से यात्रा निकल रही है, आप ये सोचिए कोई इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो जो लोग ये कहते थे कि हाँ जय श्री राम नहीं बोल सकते, दुर्गा पूजा नहीं हो सकती, तो ये तमाचा है वीडियो उन लोगों के ऊपर कि आप देखिए कितने आराम से सब कुछ हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे रहे हैं। खैर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और भी बहुत कुछ है बताने को कि बंगाल की एक्चुअल राजनीति क्या है। अगर आप जानना चाहते तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में बात यहीं खत्म कर रहा हूं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि बंगाल की राजनीति में एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब बात करते हैं कि सरकार किसकी सत्ता में आ रही है। तो इस पे अगर नज़र डालें पिछली बार के आंकड़ों पे, तो 294 सीटों में से 199 सीटें टीएमसी ने जीती थी,
जीजेएम करके एक पार्टी है जो गठबंधन था ममता बनर्जी के साथ, 2 सीटें उन्होंने जीती थी। कांग्रेस ने 23, सीपीआईएम ने 19 और बीजेपी ने 3 सीट जीती थी। हालांकि अब बीजेपी की 34 सीटें हो चुकी हैं, क्योंकि जो विधायक खरीद फरोख्त हुए जो ममता बनर्जी को छोड़ के भाजपा जिन्होंने ज्वाइन कर ली, तो इस तरीके से 34 टोटल सीटें भाजपा के खेमे में आ चुकी है बिना इलेक्शन लड़े। अब आप सोच सकते हैं जिस पार्टी ने 3 सीटें जीती और आज 5 साल के अंदर 34 पे आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है इस बार वो पूरी दम से इलेक्शन लड़ रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई होगी। नो डाउट भाजपा की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है इस बार, और भाजपा अगर मैं सीटों की बात करूं तो 90 से 100 सीटें ला सकती है, पूरे पूरे चांस है 90 से 100 सीटें लाने के। और वहीं अगर बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी 170 से 180 सीटें ला सकती है, नो डाउट इतनी सीटें वो ला रही है। हालांकि सरकार बनाती हुई दिख रही है टीएमसी, लेकिन सीटें कम हो सकती हैं। और कांग्रेस और सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम और कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। जो सीपीआईएम का वोट था वो सारा वोट जा रहा है भाजपा के खेमे में, और जो कांग्रेस का वोट है वो लोग अब कांग्रेस को वोट ही नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कांग्रेस ईवीएम का रोनर होती है, लेकिन लोग वोट नहीं कर रहा है विधानसभा में, तो बिल्कुल भी वोट नहीं कर रहा है कांग्रेस को। उसकी वजह है क्योंकि कांग्रेस के विधायक ही हैं जो सारे आज भाजपा में है। लोग कहते हैं हम भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं, हम कांग्रेस को वोट करते हैं, पता चलता है कांग्रेस का विधायक छोड़ के या कांग्रेस का मंत्री पार्टी छोड़ के भाजपा में चला गया। अरे भाई, ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कांग्रेस की कि लोग अब इस वजह से ही वोट नहीं कर रहा है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो पूरा ओवरऑल सिनेरियो ये दिख रहा है कि जो शहरी वोट है, अगर मैं कलकत्ता की बात करूं तो कलकत्ता की जितनी सीटें हैं 11 सीटें हैं, वो सारी की सारी जीत रही है ममता बनर्जी हावड़ा में। शहरों में कहीं पर भी जादू नहीं चल रहा मोदी सरकार का, लेकिन हाँ कुछ गांव के एरिए हैं जहाँ पर गरीबी है या काम ठीक से नहीं हो पाया है, तो वो लोग ये अभी भी सोच रहे हैं कि शायद मोदी कुछ आके करके, जो मोदी जी का है कि मैं गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ, वो फैक्टर अभी भी चल रहा है, तो इस वजह से उनको वोट मिल रहा है। और लेफ्ट का सारा वोट कांग्रेस उसमें जा रहा है, भाजपा में जा रहा है, ये फायदा हो रहा है। और यूपी बिहार का जो वोट है वो भाजपा में जा रहा है, प्लस जो ममता से नाराज़ है, एंटी इनकम्बेंसी है, जिसमें बंगाली समुदाय, बंगाली हिंदू है, वो वोट भी भाजपा में जा रहा है। तो ओवरऑल कुल मिला के सरकार ममता बनर्जी की आ रही है, लेकिन भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 100 के आसपास सीटें ला रही है, और नो डाउट कि ये परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और एक बड़ा विपक्ष भाजपा उभरेगा बंगाल में। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी बंगाल की राजनीति की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर स्पेशल वीडियो बना लेंगे। और अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।